कोडरमा में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी, यह घोषणा कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने की है। पीएम केयर फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए सांसद अन्नपूर्णा देवी ने स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ प्लांट निर्माण की योजना को लेकर विचार विमर्श किया। कोडरमा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। पीएम केयर फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए सांसद अन्नपूर्णा देवी ने स्थल का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारियों के साथ प्लांट निर्माण को लेकर विचार विमर्श किया है। कोडरमा सदर अस्पताल में आपातकालीन गेट के निकट ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। प्लांट निर्माण की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जिला मुख्यालय के बोनाकाली और राजा तालाब के निकट पौधारोपण भी किया। इसके तहत जो पीएम केयर फंड में पैसा है, पहले भी पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया था, अभी ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि अगर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट रहेगा तो यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर है निश्चित रूप से उससे लोगों को फायदा मिलेगा और फिर ये जो ऑक्सीजन के लिए जो बीच में अफरा तफरी मची ये परेशानी नहीं होगी। तो उसके माध्यम से पीएम केयर फंड के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना यहाँ कोडरमा सदर अस्पताल में हो रही है। ये तो ये सिर्फ कोडरमा की बात नहीं है बल्कि पूरे देश में पीएम केयर फंड के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। ये आम जन को कोई दिक्कत न हो इसके लिए इस तरह की व्यवस्था है और आज स्थल पर आए थे, कल से निर्माण का कार्य शुरू होगा। जितना जल्द हो सके कि यहाँ पे ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो पेशेंट है तो उनके लिए सुविधा होगी। ऐसे तो ईश्वर से कामना करते हैं कि जो थर्ड वेव की बातें आ रही है कहा जा रहा है थर्ड वेव ना आए, ताकि उससे काफी ऐसे ही लोग हम लोग सेकेंड वेव को हम लोग देख चुके हैं, झेल चुके हैं, तो इसलिए ये ना आए। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे हर कोई अलर्ट है। सदर अस्पताल में अभी सिविल सर्जन साहब हैं, उनके लोगों से भी ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्यावरण में बनी रहे इसे लेकर लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की है। कोडरमा ही नहीं देश के हर हिस्से में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। पहले भी पीएम केयर से सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर लगाए गए थे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए यह तैयारी की जा रही है। कोडरमा से मुखर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।